हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, आप अपने बच्चों के शादी करने के लिए पैसा लगा सकते हो, वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगा सकते हो। आप सभी लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट भाई यूज करते हो, तो मेरा मानना है जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें पैसा जरूर लगाना चाहिए। तो इसमें पैसा लगाइएगा, आपको लॉन्ग टर्म ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं हाफली रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई ये सब आप नहीं देखते हो तो फिर डायरेक्ट पैसा मत लगाओ। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसा बनाओ। अगर गंदी कंपनी खरीदोगे भाई तो कैसे पैसे बनेगा? कंपनी पिछले 4 साल 5 साल से लॉस कर रही है, आप लोग उस कंपनी में एंट्री ले लेते हो, क्या भाई पैसा बनेगा? नहीं ना, तो क्यों अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात को समझो। नहीं समझते हो तो फिर हम क्या कर सकते? हम तो हर वीडियो में ये लाइन बोलता हूँ भाई, ताकि आप लोग को दिमाग में बैठा रहे। तो देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 16 में था वो 1258.41 था। सितंबर 16 में 1258.41 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 1470.36 हो चुका है। तो देख लो कितना अच्छा इसका नेट सेल्स है, 1258 से 1470 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो टोटल इनकम था वो 1283.51 था, सितंबर 16 में 1283.51 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 1497.22 हो चुका है। तो देख लो इसका टोटल इनकम भी शानदार है, 1283 से 1497 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 135.61 था, सितंबर 16 में 135.61 था, और सितंबर 18 में देख लो 219.16 हो चुका है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो एबिटा था वो 160.71 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 246.03 हो चुका है। तो देख लो इसका एबिटा भी शानदार है, 160 से 246 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस पर भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखो, सितंबर 16 में जो प्रॉफिट एंड लॉस पर ईयर था वो 85.09 था, सितंबर 16 में 85.09 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 138.21 हो चुका है। तो देख लो कितना शानदार है इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर ईयर, 85 से 138 हो चुका है। रिपोर्टेड पैड देख लो, पैड भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 16 में जो पैड था वो 85.01 था सितंबर 16 में, और सितंबर 18 हो चुका है वो 138.21 हो चुका है। तो मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाटा इंडिया का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1931 में की गई थी। मैं पहले फ्रेंड इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 950 रुपये से इस कंपनी वीडियो बना रहा हूँ, और अभी ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो खरीद के रख लीजिए, जिंदगी बदलना है तो ये सब स्टॉक फ्रेंड आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, आपके शहर में भी इनके स्टोर होंगे और अच्छा खासा सेल्स भी होता है। तो बाटा इंडिया में फ्रेंड जानी मानी कंपनी है, रिलैक्सो भी खरीद लेते हो, उस पर भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और ये दोनों कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है। बाटा इंडिया का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे तो फ्रेंड काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हो वुमेंस में, ऑल वुमेंस शू में काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हो, कैजुअल फॉर्मल पम्प्स, वुमेंस सॉक्स, हील टाइप्स में भी यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल फीचर्स में भी काफ़ी सारे हैं।
और ये सब इनके ब्रांड्स हैं, देख सकते हो पावर इनके फेमस ब्रांड है जो आप लोग जानते हो। तो ये देख लो पावर के जूते आते हैं, आप इनके शोरूम में जाओगे तो पावर के नाम से मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी का होता है, ऐसा नहीं है भाई कि खराब इनकी प्रोडक्ट होते हैं। मेंस में भी यहाँ पे देख सकते हो, मेंस में भी काफ़ी सारे हैं, देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मल में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी सारे भाई इनके प्रोडक्ट हैं, एक एक करके बताना इम्पॉसिबल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, वैसे भी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होती हैं और भी लंबी हो जाएंगी। तो देख सकते हो ये सब बाटा के जूते हैं, यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। किड्स में भी यहाँ पे देख सकते हो गर्ल्स, आपको मैं स्कूल शू दिखाता हूँ, तो देख लो ये सब स्कूल शू हैं बाटा के, वाइट शू भी है यहाँ पे देख सकते हो, लड़की का भी है यहाँ पे देख सकते हो, और ये वाला शू भाई हम लोग स्कूल में पहनते थे, इसका प्राइस कितना है 999 रुपया। बहुत मजे आते थे स्कूल में, स्केट हम लोग मारते थे, टीएवी बीए से ही पढ़ते थे तो, और सालों साल चलते थे भाई। चप्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो बाटा के, जो स्लीपर्स जो आते हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये सब स्लीपर्स भी हैं बाटा के। तो आप लोग कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें अगर प्रोडक्ट देखना हो तो, कंपनी तो अच्छी है ही है, खरीद के रख लो लाइफ बन जाएगी। बाटा इंडिया अब तक किस टाइप से टर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत अच्छा टर्न बना के दिया है और कंसिस्टेंट टर्न बना के दिया है भाई। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 2355.94% टर्न है, तो फ्रेंड बहुत अच्छा टर्न बना के दिया है और आगे भी देगा। सेंसो का टर्न है वो 244.73% टर्न है, 3 साल में देख लो, 3 साल में ये कंपनी बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है, 161.87% का टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है वो 51.15% का टर्न है, 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में टर्न है वो 86.40% टर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का टर्न है वो 12.82% टर्न है, ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में टर्न है वो 28.98% टर्न है, सेंसो का टर्न है वो 8.28% टर्न है, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में टर्न है वो 47.47% टर्न है, सेंसो का टर्न है वो 2.33% टर्न है, 1 वीक में देख लो, 1 वीक में टर्न है वो 3.44% टर्न है, सेंसो का टर्न है वो 0.38% टर्न है, 1 डे में जो टर्न है वो 1.34% टर्न है, और सेंसेक्स का टर्न है 1.27% टर्न है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, खरीद के रख लो, आप ये मत सोचो कि ये स्टॉक 1461 रुपया हो चुका है तो मैं नहीं खरीदूंगा, भाई खरीदिए, अच्छी कंपनी खरीदोगे तो ही तो पैसा बनेगा ना। बाटा इंडिया का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 52.96% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है बाटा इंडिया में वो 11.14% का है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 16.83% का है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 4.51% का है, अदर DI पर जो होल्डिंग है 0.24% का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 14.32% का है। कोई भी शेयर बाटा इंडिया का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है वो 3.46% होल्डिंग है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एबी कैपिटल को फ्रेंड आप लोग खरीद सकते हो, मुझे लगता है कि वो स्टॉक अब चल सकता है, तो चाहो तो उसमें पैसा लगा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं भाई। आदित्य बिरला एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी खराब हो चुकी है, आज ना कल वो रिटर्न बना के देगा ही। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, फेयर जो वैल्यूएशन होगा बाटा इंडिया का वो 1082 से 1298 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, तो यहाँ तक तो आ ही सकता है, 100-200 करेक्शन भाई हो सकता है, थोड़ा सा डिक्लाइन मिले तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप किसी प्राइस पर खरीद लोगे तो पैसा बन जाएगा, ये ऐसी कंपनी है। क्वालिटी यहाँ पे देख लो गुड बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर है वो 6.89% का है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर है वो 8.82% का है,
यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाटा इंडिया ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 2,363% रिटर्न है, 5 साल में 167% रिटर्न है, 3 साल में 161% रिटर्न है, 1 ईयर में 86% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 29% रिटर्न है, 1 मंथ में 7% रिटर्न है। तो फ्रेंड आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ, अभी ये अप ट्रेंड में स्टॉक है और अभी ये बहुत दूर तक जाएगा, 5-6 हजार रुपया तक भी जा सकता है अगले 2 से 3 सालों में। खरीद के रख लीजिए, वेल्थ क्रिएट करके देगा और एक सुरक्षित कंपनी है भाई जिसमें पैसा बनेगा ही। बाटा इंडिया का 52 वीक हाई है वो 1,466 रुपया, 52 वीक लो है 735 रुपया 50 पैसा। सेंटीमीटर की बात करूं तो 50% ओवर है बाई कीजिए, 50% ओवर सेल कीजिए, लोग 50-50 में है। मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप है, ये क्लास का कंपनी है भाई, 18,789.44 का मार्केट कैप है। पी जो है बाटा इंडिया का वो 64.03 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है वो 56.78 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बाटा इंडिया का पी थोड़ा हाई है। बुक वैल्यू जो है बाटा इंडिया का वो 115.05 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर से देख लो बहुत ही अच्छा है, 22.83 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 5 का है। और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, बाटा इंडिया का नेटवर्क देख लो, नेटवर्क जो है वो 1,478.71 का नेटवर्क है। टोटल डेबिट देख सकते हो, कुछ भी डेट नहीं है भाई, ये 0 डेट फ्री कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.95 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो एसेट्स है वो 1,478.72 का टोटल एसेट्स है। यहाँ पे भी देख सकते हो नेट प्रॉफिट किस टाइप से बढ़ रहा है बाटा इंडिया का। तो देखो मार्च 18 में जो नेट प्रॉफिट था वो 52.08 था मार्च 18 में, और दिसंबर 18 में देख लो 103.18 हो चुका है। तो भाई आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ, आपको ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। और ये ऐसा बिजनेस है फ्रेंड जो चलता ही जाएगा, जूते चप्पल का डिमांड फ्रेंड हमेशा रहेगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग बाटा इंडिया में पैसा लगाइए, रिलैक्सो फुटवेयर में पैसा लगाइए, दोनों ही भाई बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा। धन्यवाद।